नमस्कार, मैं रुपेश। आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए एक अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूँ। तो उस वैकेंसी का नाम है वन रक्षक भर्ती परीक्षा, क्षेत्र रक्षक के पद पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड क्षेत्र रक्षक के पद पर सीधी भर्ती हेतु भर्ती नियम एवं चयन प्रक्रिया क्या होगी, यह सब देखेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या होगी, अंतिम तिथि क्या होगी, प्रवेश पत्र कब जारी होगा, परीक्षक तिथि कब होगी, यह सब इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे दोस्तों। चयन प्रक्रिया क्या होगी, क्षेत्र रक्षक पद पर चयन प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण निर्देश के बारे में जानकारी इस वीडियो पर आपको मिल जाएगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम देखेंगे, परीक्षा की योजना क्या होगी, यह सब इस वीडियो में मिल जाएगा, संबंधित जानकारी देखेंगे। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 10 नवंबर 2021 से प्रारंभ हो गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 2/12/2021 यानी कि 2 दिसंबर 2021 को दिया गया है, गुरुवार को। त्रुटि सुधार के लिए 3 से 5 दिसंबर के लिए दिया गया है। व्यापम की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि 10/12/2021 यानी कि 10 दिसंबर 2021 शुक्रवार को दिया गया है। परीक्षा की तिथि संभावित माना गया है कि 19 दिसंबर 2021 यानी कि रविवार को होगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो उम्मीदवार को पास मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान के हायर सेकेंडरी स्कूल से 10वीं-12वीं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए। आइए बात करते हैं क्षेत्र रक्षक पद पर हेतु आवश्यक शारीरिक मापदंड की सूचना। तो ऊंचाई अनारक्षित अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर एवं महिला के लिए 150 सेंटीमीटर दिया गया है। ऊंचाई के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष के लिए 152 सेंटीमीटर और महिला के लिए 145 सेंटीमीटर। सीना कितना फुलाना है ये जब देख लेते हैं। पुरुष के लिए 89 सेंटीमीटर और महिला के लिए 74 सेंटीमीटर। न्यूनतम सीना का विस्तार दिया गया 5 सेंटीमीटर पुरुष और महिला दोनों के लिए। शारीरिक मापदंड नाप जोख के लिए आमंत्रित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग 5 गुनी होगी। केवल वे उम्मीदवार जिन्हें मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में आई घोषित किया जाएगा वही शारीरिक मानदंड या नाप जोख के लिए पात्र होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात करते हैं तो शारीरिक मापदंड या नाप जोख में पात्र उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा जो कि कुल 100 अंकों का होगा। इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धाएं सम्मिलित होगी। 200 मीटर की दौड़ होगी जो 25 नंबर का है। 800 मीटर की दौड़ होगा 25 नंबर की होगी। लंबी कूद होगा 25 नंबर का और गोला फेंक होगा 25 नंबर का। आप इसकी डिटेल जानकारी के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। क्षेत्र रक्षक पद हेतु परीक्षा की योजना की बात करते हैं तो चयन 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा और द्वितीय चरण वन विकास निगम द्वारा आयोजित शारीरिक मापदंड या शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं पैदल चालन परीक्षा होगी। व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा होगी। प्रश्नों की संख्या 150 की होगी। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक दिया जाएगा। कुल अंक 150 का होगा। समय 3 घंटे का रहेगा। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र निम्नानुसार होगा। भाग 1 छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी 25 नंबर का होगा। भाषा हिंदी अंग्रेजी एवं छत्तीसगढ़ी 25 नंबर का होगा। सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाएं खेलकूद देश विदेश के लिए 50 अंक का होगा। गणित एवं सामान्य विज्ञान के लिए 50 नंबर टोटल हो जाएगा 150 नंबर का। व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के अंतर्गत उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र में कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए मापने में अंक केवल 23% होंगे। चयन सूची होगी। उम्मीदवार के चयन व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं बोनस अंक में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं पर्गवार किया जाएगा। क्षेत्र रक्षक पद हेतु परीक्षा का पाठ्यक्रम अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसके लिए अलग से वीडियो मैं बना चुका हूँ सिलेबस पर, या इसका PDF चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ डाउनलोड कर सकते हो। इसकी आयु सीमा की बात करते हैं तो दिनांक 1/1/2021 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। पैदल चालन परीक्षा दिए गए पुरुष उम्मीदवारों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर तथा महिला उम्मीदवारों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पूर्ण करनी होगी। बोनस अंक की बात करें तो प्रत्येक श्रेणी में 5 बोनस अंक दिए जाएंगे। चयन सूची होगी। क्षेत्र रक्षक के सीधी भर्ती के लिए अंतिम प्रावीण्य सूची व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा 150 की होगी। शारीरिक दक्षता 100 अंक की होगी और बोनस अंक 10 नंबर का होगा। क्षेत्र रक्षक पद हेतु चयन प्रक्रिया महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर दिया गया है दोस्तों।
अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद। ऐसी ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद।